सो गाइज, अभी मैं लेटेस्ट एक पार्ट टाइम जॉब का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था एंड उसके लिए मुझे एक डॉक्यूमेंट चाहिए था टैक्स आईडी का, लेकिन वो मुझे बाय पोस्ट कभी आया ही नहीं। सो देखते हैं अब मैं डॉक्यूमेंट्स लेने जा रहा हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, माय नेम इज दिग्विजय एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइज, मेरा अभी टैक्स आईडी का काम तो हो गया है, तो सिर्फ अपना एलमेंडुंग एंड पासपोर्ट लेके जाओ आप और वो टैक्स आईडी दे देंगे अगर आपको चाहिए तो। तो ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग है, ये उनके ऑफिस की बिल्डिंग है एंड 5 मिनट के अंदर ही उन्होंने मुझे वो डॉक्यूमेंट्स टैक्स आईडी का दे दिया एंड मेरा क्लास क्या है वो भी बता दिया टैक्स का। सो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन इन पर बहुत ज़रूरी है, ये आपको लगता है आपका जब एलमेंडुंग हो जाए एंड आपके आपका पासपोर्ट लेके आप बस इनके ऑफिस पे चले जाओ तो ये आपको बहुत आसानी से और 5 मिनट के अंदर डॉक्यूमेंट दे देंगे। सो टैक्स आईडी लेने के लिए ऐसे बहुत सारे जगह जगह पे एरिया में बिल्डिंग्स रहती है, आपको जो नियरेस्ट है गूगल करके देख लीजिए। मैं एक्चुअली उनका जर्मन में नाम क्या होता है ये डाल दूँगा एंड अगर आपको टैक्स आईडी चाहिए तो आप ऐसे ले सकते हैं। सो गाइज, अभी मिलते हैं डायरेक्टली घर पे, घर घर पे खाना वाना खा के मैं आपको बैग्स अनपैक करके दिखाऊंगा, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको एक्चुअली पता चले कि क्या नेसेसरी होता है, मैंने क्या लाया है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो लाया है वो 100% सभी को ज़रूरी है, आप समझदार हो, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप देख लो। अभी मैं मेरे एक दोस्त के यहाँ पे आ रहा हूँ, सो उसके पास से कुछ टिप्स लेंगे। हेलो एवरीवन, सो गाइस, ये मेरा दोस्त है नीरज। हाय। सो अभी इसका रूम है, मेरे हॉस्टल में रहता है। सो ये सिंगल रूम अपार्टमेंट है, सो जल्दी इसका भी टूर हम देने वाले हैं। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब सेफ हो, हेल्दी हो इस कोरोना पैंडेमिक में। सो आज का अपना टॉपिक है, इंडिया से जब आप ट्रैवल करते हो तो क्या क्या कैरी करना चाहिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो नेसेसरी चीज़ें जो है, फॉर एग्जांपल लाइक एडाप्टर्स है, देन वी हैव दी यूटेंसिल्स एंड ऑल द स्टफ, जैसे कुकर, मैंने कुकर लाया हुआ था, सो आई विल शो यू माई कुकर। सो छोटा कुकर लीजिए, चाहे वो चाहे 2 या 3 लीटर का भी हो सकता है मैक्स, तो मेरा तो 2 लीटर का है, तो 2 लीटर में ये कुकर आसानी से बैग में फिट हो जाएगा। आप इसमें जगह सेव करने के लिए इसमें कुछ मसाला वगैरह जो भी डाल सकते हो, पैकेट्स इसमें डाल के उसको यहाँ पे ला सकते हो। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप क्लोथ्स कम लाएं, क्योंकि यहाँ पे ऑफर्स पे ऑफर्स चलते रहते हैं, तो क्लोथ्स पे ज़्यादा ना फोकस करें और स्पाइसेस पे फोकस करें। जो भी है आपके इंडियन स्पाइसेस बहुत ही ज़्यादा महंगे रहते हैं यहाँ पे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हर एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, स्पेक्टेकल्स रखिए, क्योंकि इनकेस अगर आपका चश्मा टूट जाता है तो आपको बड़ी दिक्कत होती है। जैसे कि मेरा टूटा था, जैसे दिग्विजय का टूटा था अभी रिसेंटली, तो उसे बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी नया बनवाने में। सो स्पेयर स्पेक्टेकल्स, देन एडाप्टर्स, मिनिमम 3 एडाप्टर्स रखिए, क्योंकि कभी कभी एडाप्टर्स खराब भी हो जाते हैं। और इसके अलावा वाईफाई राउटर होता है, एक्सटेंशन बोर्ड्स, तो आप रखिए सेफ साइड पे। और ये इम्पोर्टेंट है कि जब आप इंडिया से आते हो तो आपको जो स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसके रिलेटेड मेडिसिन्स रखिए, और उसके साथ प्रिस्क्रिप्शन भी रखिए। कभी कभी लोग प्रिस्क्रिप्शन भूल जाते हैं, और एयरपोर्ट पे अगर खुदा ना खास्ता चेकिंग हो जाए तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, तो प्रिस्क्रिप्शन
डॉक्टर का जरूर रखिए अपने साथ। ये इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहता था। दिग्विजय आप उसके साइड से खुद डिटेल में अपना खुद बैग ओपन करके बताइए क्या क्या लाना चाहिए इंडिया से ट्रैवल करते वक्त। सो स्टे इन टच विद दिग्विजय चैनल एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड डू हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच नीरज। सो हम गाइज अब मैं मेरे रूम पे जाके वीडियो कंटिन्यू करूँगा और मैंने जो चीज़ें कैरी की है मेरे बैग्स में वो मैं आपको बताऊँगा। क्या क्या मटेरियल लाना है जर्मनी आते समय ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है। मुझे पता है कि जो लिस्ट बनाते हैं हम लोग उसमें कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, लेकिन मैं अभी आपको मेरे एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ें आप मिस कर सकते हो, क्या चीज़ आपको जानबूझ के मतलब लानी नहीं चाहिए, जो चीज़ जर्मनी में मिल सकती है ऑलमोस्ट उसी प्राइस में या फिर थोड़ा कम नीचे होगा तो भी चलेगा, क्योंकि आपका वेट जो रहता है वो लिमिटेड रहता है। आपको भी पता होता है कि आपको कितना वेट लेना चाहिए आपकी एयरलाइंस के हिसाब से। मोस्टली जो चीज़ें इंडिया में ही मिलती है सस्ते दाम में, जैसे कि स्पाइसेस होते हैं, वो आपको मोस्टली इंडिया से ही लाना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आपको क्या लगता है क्या नहीं। और जो चीज़ें यहाँ पे मिल सकती है जैसे कि ए आयल यहाँ पे मिल जाती है ऑलमोस्ट उसी प्राइस में। मैंने 25 यूरो को ली थी है फिलिप्स की, इंडिया में भी 1500-2000 के दौरान आ ही जाती है अच्छी चीज़, तो ऑलमोस्ट ये उसी प्राइस से, तो लाने की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ से, यहाँ पे आप ले सकते हो। एंड जो मिनी ब्लेंडर है इसमें आप एक्चुअली चॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो और स्मूदी वगैरह भी बना सकते हो, तो अपना टोमेटो एंड ओनियन रहते हैं उसे भी मिक्स करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी 20 यूरो का मिला है मुझे लगभग 1600-1700 रुपीज़ में। सो इंडिया में भी ऑलमोस्ट ये उसी प्राइस का मिलता है। सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप मुझे तो लगता है कि यही से लेना प्रेफर करो, इंडिया से लाना ही मत ऐसी चीज़ें, क्योंकि उनके दाम यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम है और वारंटी जर्मनी और जो वारंटी है वो जर्मनी की ही रहेगी। सो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो यहाँ पे उसको रिपेयर करना या फिर वारंटी में क्लेम करना अच्छा रहेगा। अभी मैंने दो बैग्स लाए हैं एक्चुअली, तो इन दो बैग्स में मैंने क्या क्या लाया और कैसे पैक किया था मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूँ ताकि जो लोगों को पता नहीं होता उनको शायद हेल्प हो सके इससे। तो हो सके तो आप ये टैग्स लगाइए बैग्स को ताकि ये आपका बैग जल्दी से आइडेंटिफाई हो, और अगर अनफॉर्चुनेटली कहीं पे मिस भी हो गया तो एयरलाइंस कंपनी को भी ये इजी हो जाएगा आपकी बैग आइडेंटिफाई होने के लिए। तो भाई ऐसे कुछ ऑनलाइन शू बैग मिलेंगे आपको, वो आप परचेस कर लो, कुछ 300 रुपये में 12 वगैरह आ जाती है, लेकिन ये अच्छे क्वालिटी के हैं। सो ऐसे कुछ परचेस कर लो आप, आपका जो कुछ भी सामान रहता है एक जैसा सामान इसमें सब कुछ अच्छे तरह से आ जाता है और कम स्पेस में ज़्यादा सामान बैठ जाता है। कुछ शू बैग्स में मेरे मेडिसिंस हैं, कुछ शू बैग्स में आपका जनरल स्टोर्स का सामान है, कुछ शू बैग्स में आपके कॉस्मेटिक्स ऑयल्स वगैरह है। सो ये सब चीज़ें मैं एक्चुअली डिटेल्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर लिस्ट बना के इसी वीडियो में डाल दूंगा ताकि आपको पता चले कि मैंने क्या क्या लाया है। अभी ये मैं सब कुछ तो खोल के नहीं दिखा सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा टाइम कंज्यूम होगा ये सब निकाल के फिर पैक करने में, और आपको भी समझ में आया कि एक्चुअली लाना क्या है और आप क्या क्या ला सकते हो। एंड बस एक ख्याल रखना कि जो भी कुछ लिक्विड वगैरह होगा जो लीक हो सकता है उसको ऐसे प्लास्टिक से पैक करो, क्योंकि आपके बैग लगेज के दौरान बहुत ज़ोर ज़ोर से फेंके जाते हैं। सो जो भी लिक्विड है जो लीक हो सकता है वो अच्छे तरह से पैक कर दीजिए। एंड दैट्स इट, आई थिंक पैकिंग आपकी हो सकती है अच्छे से। एंड ऑब्वियसली फेस पैक वगैरह भी भूलना मत, और अलग अलग तरह की स्पाइसेस भी हैं जो मैंने मुझे लगते हैं जो मैंने वो वहीं से लाए हैं। एंड जैसे आपको पता है इंडिया में तो स्पाइसेस कम रेंज में मिलते हैं, कम रेट में मिलते हैं, तो ऐसे हैंडकर चिप्स भी मैंने लाए 6-7।
ऑब्वियसली जो सॉक्स रहते हैं उसको भी लाए हैं, 4-5 पेयर। और मास्क तो भूलना ही मत, कम से कम 50 यूरो फाइन है यहाँ पे। सो एटलीस्ट गुड क्वालिटी वॉशेबल जो रहते हैं मास्क वो लाइए 5-6। एक लिक्विड सैनिटाइज़र भी रखिएगा और एक हैंड सैनिटाइज़र जो जेल के फॉर्म में वो भी रखिएगा। एंड ऑब्वियसली जो डिवाइसेस क्लीन करने के जो क्लीनर रहते हैं वो भी एक रखिएगा, काम आएगा यहाँ पे। अभी इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो हैंडबैग में क्या चीजें रहनी चाहिए। सो हैंडबैग के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स हैंडबैग में ही रखिए, क्योंकि ये बैग हमेशा आपके साथ रहता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिस होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर लगेज बैग मिस हो गया तो आपके डॉक्यूमेंट्स जल्दी नहीं मिलेंगे आपको, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है बड़ी। तो हैंडबैग के अंदर ही आपने सभी डॉक्यूमेंट्स रखिए। एंड सभी क्लोथ्स ऑलमोस्ट आपके इसी में रखिए, पावर बैंक भी इसी में रखना चाहिए, उसमें पावर बैंक ऑलमोस्ट अलाउड ही नहीं होता लगेज बैग के अंदर रखने के लिए। ऐसा कुछ मेरे पास GoPro कैमरा है तो मैं इसमें ऑलमोस्ट मेरे सभी वायर्स चार्जर्स वगैरह इसी में रखता हूँ, ताकि जो सिक्योरिटी चेक इन के टाइम पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर निकाल के दिखानी होती है तो बहुत तकलीफ हो जाती है। तो मैं कहूँगा कि एक तो ऐसे कुछ बैग रखिए अपने पास, या फिर आपका जो लैपटॉप बैग्स है उसी के अंदर सभी आपके वायर्स वगैरह डाल दीजिए, चार्जर्स वगैरह डाल दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स डाल दीजिए, सिक्योरिटी चेक इन में आपको ज़्यादा तकलीफ ना लेनी पड़े। सो गाइज यही जो 3 बैग्स है इसी के साथ मेरा तो लगेज आ गया था, एंड इसमें ऑलमोस्ट मुझे जो जरूरी है वो सभी चीज़ें आ गई थी। एंड ऑब्वियसली एक लैपटॉप बैग है। सो आपको एक और टिप मैं देना चाहता हूँ कि लैपटॉप बैग और केबिन बैग दोनों चल जाती है, सो दोनों कैरी कीजिए ताकि आपका वेट ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। सो गाइज अभी आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय।